आज इस क्लास में हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। डीएनए जो होता है उसे क्या कहते हैं, डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो यह क्या होता है, जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट है डीएनए, सेकंड है आरएनए। तो हम आज इस क्लास में डीएनए के बारे में देखेंगे, डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो डीएनए होता है यह एक प्रकार है किसका, न्यूक्लिक एसिड का प्रकार होता है, ठीक है। और यह कहाँ पाया जाता है, क्रोमोसोम में पाया जाता है। जो न्यूक्लियस होता है उसके क्रोमोसोम में गुणसूत्र में यह डीएनए पाया जाता है, ठीक है। और इसे सबसे पहले डिस्कवर्ड किया है मिशा ने 1871 में, इसे खोजा, ठीक है। क्रोमोसोम के अंदर सबसे पहले मिशा ने 1871 में डीएनए को देखा, ठीक है। जो डीएनए होता है यह एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के रूप में इसे देखा गया है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलके पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, उसे ही डीएनए कहा गया है, ठीक है। डीएनए के अब स्ट्रक्चर में हम देखेंगे क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे इसमें नाइट्रोजिनस बेस होता है। तो बेस जो होता है वह टू टाइप्स का देखा गया है, दो प्रकार के होते हैं। पहला है पिरिमिडीन, ठीक है। पिरिमिडीन में हम दो बेस देखेंगे, साइटोसिन और थायमिन, ठीक है। यह दो में साइटोसिन को हम सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। किससे दर्शाते हैं इसको, कैपिटल सी से इसको दर्शाते हैं। और जो थायमिन होता है, थायमिन को हम टी से दर्शाते हैं, ठीक है। कैपिटल टी मीन्स थायमिन होता है। उसके बाद नेक्स्ट है जो नाइट्रोजनस बेस, वह प्यूरीन होता है। प्यूरीन में फिर से हम दो बेस देखेंगे, एडिनाइन और ग्वानाइन। तो जो एडिनाइन होता है उसे हम कैपिटल ए से भी दर्शाते हैं, और जो ग्वानाइन होता है उसे कैपिटल जी से दर्शाते हैं, ठीक है। कैपिटल जी से इसको डिनोट करते हैं। यह हो गया बेस, बेस के बारे में देख लिए। जो दूसरा कंपोनेंट्स है न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड जो होता है इसका निर्माण, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसमें वन जो होता है बेस होता है, और दूसरा वन जो सुगर मॉलिक्यूल आपस में मिलकर एक न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं या फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। मतलब एक आपको नाइट्रोजनस बेस की जरूरत पड़ेगी, दूसरा एक शर्करा अणु का, शर्करा अणु आपस में यह मिलकर जुड़कर एक न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट हम कंपोनेंट्स इसका घटक देखेंगे, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसको बनाने के लिए क्या लगता है, एक न्यूक्लियोसाइड चाहिए, दूसरा उसमें फॉस्फेट, एक मॉलिक्यूल फॉस्फेट ग्रुप का चाहिए। जब ये आपस में मिलेंगे तो एक न्यूक्लियोटाइड बनेगा, ठीक है। इसको बनाने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, एक न्यूक्लियोसाइड चाहिए, दूसरा अपने को फॉस्फेट ग्रुप चाहिए, वन मॉलिक्यूल, इनके मिलने से ही आपको न्यूक्लियोटाइड प्राप्त होगा, ठीक है। तो हम जो डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है उसको एक स्टेप के रूप में देखते हैं। तो जो डीऑक्सीराइबो है, जो बेस है, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फोरिक एसिड मिल रहा है और तो न्यूक्लियोटाइड बन रहा है, और जो न्यूक्लियोटाइड है बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलके एक पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला या चेन का निर्माण करेंगे, उसे ही हम डीएनए कहते हैं, ठीक है। यह डीएनए का इस प्रकार से फॉर्मेशन होता है, डीएनए इस प्रकार से निर्मित होता है, ठीक है। अब डीएनए में हम देखेंगे कि डीएनए के जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, डीएनए का जो आणविक उसकी संरचना है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दिया है वह किसने दिया है, वाटसन एंड क्रिक ने इसे प्रस्तुत किया, ठीक है। डीएनए का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को वाटसन एंड क्रिक ने दिया था 1953 में, इन्होंने एक मॉडल दिया, ठीक है, डीएनए के लिए कि डीएनए की संरचना कैसी होती है। तो इसमें इन्होंने देखा कि यह
डबल हेलिक्स संरचना होती है, ठीक है। डीएनए जो होता है डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होता है, और इसमें डीएनए का जो मॉलिक्यूल है उसका डायमीटर कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। और इसमें आपको जो इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं वह अलग अलग बेस में अलग अलग देखा गया। जो ए होता है यहाँ पे हमने देखा एडिनाइन होता है, वो एडिनाइन और प्लस थाइमिन, एडिनाइन और थाइमिन के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वह डबल हाइड्रोजन बॉन्ड देखा गया, ठीक है। इसके बीच में एडिनाइन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड देखा गया। वैसे ही जो ग्वानाइन होता है ग्वानाइन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड देखा गया, ठीक है। तो हम ए को जो किसे डिनोट करते हैं, एडिनाइन का ए और ये थाइमिन का टी, इनके बीच में क्या दिख रहा है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है, और ग्वानिन का जी और साइटोसिन का सी, तो इसके बीच में हमने क्या देखा, तीन हाइड्रोजन बॉन्ड ये है, ठीक है। उसके बाद में डिफरेंस देख रहे हैं टू न्यूक्लियोटाइड के बीच में कितना अंतर होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है, किसके बीच में, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में अंतर हमने देखा 3.4, ठीक है। उसी प्रकार जो दो हेलिक्स होते हैं, दो जो स्ट्रैंड है उनके बीच में जो डिफरेंस देखे अंतर देखे वो कितना होता है, 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। उसी तरह जो वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दिया है उसको बी डीएनए कहा गया, ठीक है। दे हैव गिवन बी फॉर्म ऑफ डीएनए, मतलब इन्होंने जो डीएनए का स्ट्रक्चर दिया उसे बी डीएनए कहा गया, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे वाटसन एंड क्रिक ने जो डीएनए का मॉडल दिया है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसका जो हमें बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस देखना है कि उसका जैविक महत्व क्या देखा गया है वाटसन एंड क्रिक का, उसमें हम देखेंगे सेल्फ डुप्लीकेशन। फर्स्ट पॉइंट है सेल्फ डुप्लीकेशन, इसमें क्या होता है जो ईच स्ट्रैंड रहते हैं, इसमें देखो जो दो स्ट्रैंड दिया गया है डीएनए में डबल हेलिक्स में, तो वन स्ट्रैंड को वाटसन के नाम पे डब्लू नाम दिया गया है और सेकेंड स्ट्रैंड को क्रिक के नाम पे सी स्ट्रैंड भी कहा गया है, ठीक है। तो इसमें जो वाटसन एंड क्रिक ने जो दिया था डीएनए का मॉडल उनमें क्या बताया उन्होंने कि इसमें सेल्फ डुप्लीकेशन होता है, ठीक है। तो जो ईच स्ट्रैंड एक्ट एज ए टेम्पलेट एंड फॉर्म ए डुप्लीकेट कॉपी, ठीक है। जो इसमें एक स्ट्रैंड होता है वह एक टेम्पलेट के जैसा कार्य करता है और अपने ही जैसा एक कॉपी या अपने ही जैसा एक स्ट्रैंड रेडी कर लेता है। तो इसमें इसका यही बताया गया है इसका मॉडल का इम्पोर्टेंस कि जो डीएनए होता है वह अपने ही जैसा एक और कॉपी बना लेगा, उसका हर एक जो स्टैंड होता है उसका वह अपनी प्रतिरूप अपने जैसा ही एक रूप तैयार कर लेता है, ठीक है। इसके बाद इसमें देखेंगे ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जो ये डीएनए का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसमें जो इंफॉर्मेशन है जो संदेश है बहुत आसानी से बताया गया कि ये ट्रांसमिट कर देता है संदेशों को एक जगह से दूसरे जगह आसानी से इजी वे में पहुंचा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे फॉर प्रोटीन सिंथेसिस दे इजीली ट्रांसमिट द मैसेज, जो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोटीन के संश्लेषण का जो इनके पास संदेश है उसको यह बहुत आसानी से ट्रांसफर कर लेते हैं, ट्रांसमिट कर देते हैं मैसेज को आसानी से दूसरे जगह पहुंचा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।